हे गाइस, आई एम रोनी थैर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज एक नया वीडियो तैयार होने जा रहा है। ये फॉरेस्ट प्लेस के ऊपर है, जो एक बंदा है मेरे पास, उसको इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता है, जिसका नाम साहिल है। सो आज ये हम लोग को सजेस्ट करेगा, जगह के बारे में बताएगा। हेलो गाइस, यहाँ पे आप आओगे तो आप लोग को यहाँ पे बहुत मजा आएगा। यहाँ पे खूब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए। अगर आप लोग को कभी यहाँ पे आना होगा तो कांदीवली ईस्ट आने का, कांदीवली ईस्ट लोखंड वाला में आपको पता चल जाएगा ये प्लेस कैसी है, कभी आ जाना यहाँ पे। सो हम लोग आज अभी आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करने वाले, चलो चल के देखते। ऊपर डैम है, यहाँ पर बहुत लोग नहाने आते हैं। तो आगे पब्लिक वैसे भी हम लोग को दिख रही है कि आगे आधे लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं आगे। यहाँ की जगह वैसे भी बहुत अच्छी बनाई गई है और हरियाली तो आप लोग को दिख ही रही है। क्या बोलते हैं बंटाई लोग, में आ चुके हैं। हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब चढ़ रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, पहुंचने वाले बहुत जल्दी पुल में। बहुत सारे लोग मिलते हैं यहाँ के, आप हरियाली देख सकते हो यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है। लुक बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा ही बॉम्ब है। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंवला का भी पेड़ है। इस पेड़ में अभी आंवला तो नहीं फरा है, लेकिन है आंवला का पेड़। पहुंच चुके और ज्यादा दूर नहीं है, तो कितना दूर है अभी? अभी बस 30 मीटर दूर है लोग पहुंचने वाले। बहुत तो कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लोकेशन, अच्छी फील है हमारी। हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और आप लोग यहाँ पे देखते होंगे, यहाँ पे देखो कितनी खूबसूरत प्लेस है। ये प्लेस बहुत ही बॉम्ब दिख रही है, एकदम मजा आ रहा है यहाँ पे आके, मस्त दिख रहा है यहाँ पे। और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, मेरे को कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे। चलो आप लोग को वो भी दिखाते हैं।
आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। आप लोग के प्यार की वजह से हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग बहुत मेहनत की है और आप देख सकते हैं आज का हम लोग का ब्लॉग बहुत अच्छा था। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बिल्कुल ना भूलना सब्सक्राइब करना।